भारत के लोगों को पता ही नहीं कि भारत भी कोई चीज है, आज नहीं पता, आज 2022 में। तो दादा भाई नौरोजी ने पार्टी बनाई लंदन में कि हम ब्रिटिश सरकार को बताएंगे, साहब देखो हम तो आपकी प्रजा हैं सरकार, और हम आपकी प्रजा होकर सफर कर रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में चुनाव भी लड़ा, लेबर पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, ब्रिटेन की संसद में भी गए, क्योंकि तो प्रजातंत्र में विरोध का मतलब होता है सरकार की आंखों को खोलना कि भैया गलत हो रहा है। प्रजातंत्र में सरकार अपोजिशन जो है वो सरकार की सबसे घनिष्ठ मित्र होती है। ये तो आज अंधों को नहीं पता है, आज तो पट्टीदारी हो गई है, जैसे गांव में पट्टीदारी है ऐसे बाहर पट्टीदारी हो रही है। अरे भैया राम के मतलब मान लो रामनवमी का जा रहा था, पत्थर मार दिया लोगों ने, डंडे से मारो उनको, पैसे छीन लो, टीवी निकाल लो उनका, फ्रिज ले आओ, मकान क्यों गिरा रहे हो यार? अगर तुम्हारे पास अपना मकान होगा और तुमने बनवाया होगा, मतलब तुमने उसमें मेहनत की होगी, तो तुम्हें पता होगा मकान कैसे बनता है। कोई गलत कर रहा है उसको मारो, ले आओ रात में, कूटो जेल में अंदर खाने में रख, मारो उसको, उसका सामान छीन लो, उसकी टीवी निकाल लो, उसका फ्रिज छीन लो, पैंट उतार लो, ये सब कर लो, उसका घर क्यों गिराओगे? सरकार में प्रजातंत्र में जो विरोध जो अपोजिशन होता है ना, वो सरकार का सबसे बड़ा मित्र होता है, वो सरकार को गलत करने से रोकता है। मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनको अवगत करा रहे हैं कि चाचा गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा पहलू है, हालांकि इस देश के लोग नहीं जानते, उनके लिए ठीक भी है।